बाख्राकोट चाय बागान जिला जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल राज्य में कुपोषण एवं बिना खाए 15 मजदूरों की मौत। एक चाय बागान जो कि डंकन्स कंपनी का है उनमें 1500 मजदूर कार्यरत हैं जिन्हें बागान बंद हुए 8 महीने हो गया लेकिन मालिक पक्ष से ना कुछ देख रेख है ना ही सरकार द्वारा। बागान का हालात पतला खराब होके मैं बाहर चला गया था जिसे कमाने के लिए। जब हम मैं 5 महीना बैठा तो मेरा बाप बीमार हो गया लेकिन इलाज कर नहीं सका और माँ ये पैसे की प्रॉब्लम के कारण से और बागान का टिकाने का ये जो नहीं चलने के कारण से मेरा माँ का देहांत हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्दी ये चीज़ बागान जल्दी खोले और अच्छा से चलाए तर हम लोग का जितना भी बागान के टिकाने वर्कर हैं सबकी सुख सुविधा में रहें। जंगली साग पात कच्चू के पत्ते को धूप में सुखाकर खाने को मजबूर, खाली चूल्हा पेट भी खाली। डंकन समूह का 14 चा बागान बंद पड़ा है। उत्तर बंगाल में इन्हीं में से बाख्राकोट चा बागान एक है जो अव्यवस्था एवं गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। रुपयों के अभाव में श्रमिक खाद्य सामग्री नहीं खरीद पा रहे हैं। बागान में अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रही है। इसी कुफल का नतीजा है आज एक एक कर श्रमिक का मौत घाट में उतर रहे हैं। बागान बंद होने के कारण और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपके परिवार को? भैया मिसेस भी वर्कर थे, मिस्त्री हेल्पर ऐसे ही काम करके रोजगार चला रहे। हम जो चाहते हैं जो बागान खुल जाए अच्छा से, जैसे चल रहा था वैसे चले। बीमारी जितना भी है उन लोग के लिए अच्छा जो ट्रीटमेंट हो जाए। भूख से पीड़ित श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए एवं बागान खुलवाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण भवन कोलकाता फोन करने के लिए 0332320 4241 नंबर में अधिक से अधिक कॉल करें, दबाव बनाएं। मैं हरिहर नागवंशी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।